टांग दी है रोहित शर्मा ने। पहली बॉल विराट कोहली कट्स इट अवे फॉर अ फाइन फोर। मौसम देखो एक बार लाल। चौथा झटका बांग्लादेश को यहाँ पे। लेट्स टंपो खड़ा। मिस्ड इट। व्हाट? ओह माय गॉड। वेलकम 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 दोस्तों। तो मैं लोग जैसा कि तुम जानते हो 27 अगस्त से एशिया कप शुरू होने वाला है और मैंने सोचा क्यों ना इस खुशी के मौके पे हम भी गेम में एशिया कप ही खेले इंडिया के साथ। लेकिन ये टूर्नामेंट ना थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। सबसे पहले तो इसमें ग्रुप सिस्टम नहीं है लेकिन हर टीम दूसरी टीम के साथ एक एक मैच खेलेगी। और हाँ, ये मैचेस 20 ओवर के नहीं 15 ओवर के होने वाले हैं, यानी कि कम ओवर और धमाका धमाका। यानी कि इस टूर्नामेंट में होगी 5 टीमें इंडिया को मिला के और इंडिया खेलने वाली है 4 मैचेस विद अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान। और हम इसी के साथ साथ पॉइंट्स टेबल फॉलो करेंगे और एंड में जो टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में आएगी उनके बीच में होगा धमाकेदार फाइनल। मतलब इंडिया के चांसेस कुछ ज्यादा ही है। हाँ, तू इतना प्रो जो है इस गेम में। और भाई लोग, ये रहेगी पॉइंट्स टेबल। अब भाई जैसे जैसे मैच जीतते जाएंगे ऊपर जाते जाएंगे। और मतलब इस सीरीज में होने वाली है एक से ज्यादा वीडियोस। अब ये नहीं पता 2 होगी या 3 होगी या 4 भी हो सकती है, बट हम कोशिश करेंगे सारे मैचेस खेले और एंड में फाइनल्स भी खेले और एशिया कप जीते। एंड जिस तरह रियल इंडिया को सपोर्ट करने वाले हो उसी तरह इस गेम में इंडिया को भी सपोर्ट करो एंड कॉमेंट्स में फुल प्यार दिखाना इंडिया को। और अपनी कोशिश तो मैं पता है भाई जीतने आए हैं, जिता के जाएंगे। तो यार से इस सीरीज की सारी वीडियोस को देखना और अपने दोस्तों को भी दिखाना। तो भैया टूर्नामेंट बन चुका है और राउंड 1 में हमारा पहला मैच है बांग्लादेश के साथ और साथ ही साथ श्रीलंका का मैच है पाकिस्तान के साथ। बड़ा टोटल देंगे, 15 ओवर में कम से कम 200 रन देंगे और मजेदार। एंड इसी के साथ एशिया कप का पहला टॉस रोहित शर्मा ने सिक्का उछाला है, बांग्लादेश ने हेड्स मांगा है। क्या उनको मिलेगा दोस्तों? हमको नहीं लगता क्योंकि अपन ले रहे हैं बल्लेबाजी। और देखो अगर मैं अपनी टीम की बात करूं तो टॉप पे मैंने रखा है रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को, साथ ही साथ नंबर 3 पे विराट कोहली, 4-5-6 संभालेंगे ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या। फिर स्पिनिंग के लिए आ जाते हैं अपने जडेजा और अश्विन, पेस में भूवी और अर्शदीप और लास्ट में लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल। तो चलो भाई अपना ओपनिंग पे रेडी टू वॉक इन। चलो भाई पहला ओवर यहाँ पे किसको बांग्लादेश ने अपनी पूरी ताकत लगा के, लेकिन इनके पास 2 लेफ्ट आर्म पेसर्स भी है भाई। भाई लोग ये याद रखिएगा कि ग्राउंड जो है वो काफी छोटा है तो रोहित शर्मा जो है ऑफ द मार्क चौका चले जाता, बट अच्छी फील्डिंग दिखाते हुए यहाँ पे बांग्लादेश की टीम आए। इसी के साथ पहला रन आता हुआ भैया, 3 बॉलों में आया पहला रन। लेकिन मौसम देखो एक बार लाल हो रखा है भाई। मुस्तफिज कमिंग इन टू बॉल टू सूर्य कुमार यादव, भैया नए नए ओपनर है हमारे। पीच में से निकलती हुई ये बॉल, ताबड़तोड़ गेंद भाई, पेस के लिए क्या मतलब क्या टप्पे खा रही है बॉल यहाँ पे भाई। देखो दोस्तों मानते हैं थोड़ी हल्की शुरुआत मिली है इस समय, बट यू नेवर नो विद रोहित द मैन द शर्मा। और उठा के मार दिया है, इस बार कोई फील्डर नहीं उस जगह पे। चौका बटोरेंगे यहाँ पे, पहली बाउंड्री शायद आती हुई इंडिया के लिए। पहली बाउंड्री आई ना? हाँ भाई पहली बाउंड्री आई रोहित शर्मा यानी कप्तान के बल्ले से। मजा आया भाई, असली मुकाबला तो यही है ना भाई, लेफ्ट आर्म पेसर वर्सेस रोहित शर्मा, यही तो देखने में मजा है। और दूसरी बॉल भी चौके के लिए टांग दी है रोहित शर्मा ने, 2 back-to-back फोर्स टू अ लेफ्ट आर्म पेसर। और ये देखिए अंपायर थोड़े अमिताभ बच्चन जैसे दिखाई पड़ते हुए। भाई देखो थोड़ा सा 15 ओवर के रूल समझ लेते हैं। पहले 5 जो ओवर है, नहीं 6 ओवर शायद, ये भी नहीं याद वैसे, 6 ओवर जो है वो होने वाले हैं अपने पावर प्ले, जिसमें रहेंगे 2 प्लेयर 30-yard सर्कल के बाहर। और उसके बाद आखिरी के 2 ओवर यानी 14th ओवर और 15th ओवर वो भी पावर प्ले होने वाले हैं और उसमें 3 प्लेयर बाहर रह सकते हैं। इसीलिए स्वीप करना चाहते थे लेकिन सूर्य यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिन के अगेंस्ट स्पेशली। भाई एक और स्पिनर, अबे कितने स्पिनर लगाओगे बे? अबे तुम क्या मतलब तुम क्या समझते हो भाई, स्पिनर खेल नहीं सकते क्या? सूर्य भाई 6 और 9 के स्कोर पे सूर्य भाई, और शॉर्ट बॉल डलवा रहे भाई, स्पिनर से जान के शॉर्ट बॉल डलवा रहे भाई, पता है उनको शॉर्ट बॉल खेलना मुश्किल हो रहा है। चलो भाई सूर्य भाई अटैकिंग रन रेट बढ़ाने के लिए बोला था और सूर्य ने बोला कि भैया मैं सुन रहा हूँ यहाँ पे, तो बैक टू बैक चौके इस ओवर में भी आते हुए, ऐसे ही बढ़ेगा बेटा रन रेट। और ये देखिए अमित जी यहाँ पे हमारे अंपायर चौके का इशारा करते हुए। देखिए दोस्तों इस समय महत्वपूर्ण क्या है इंडिया के लिए, हमारे लिए जरूरी है कि हम अपना रन रेट थोड़ा सा बढ़ाए। अरे यार विकटे उखड़ रही है यार, अपनी विकटे ही रोक रही है रन जाने से। कोई नहीं न्यू इंडिया न्यू अप्रोच दोस्तों। डाउन द ग्राउंड इस बार मारा है, तड़ाकेदार आवाज निकली है और बॉल रुकेगी नहीं दोस्तों, निकल जाएगी ट्रेन की तरह। और ये देखो भाई जब बंदा मारता है ना अच्छी शॉट तो इस चौड़ में खड़े होता है बंदा। तस्किन अहमद एक और फास्ट बॉलर, भैया फास्ट पे फास्ट लगाए जा रहे हैं और 5 ओवरों के बाद जो है फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हो चुकी है, लेकिन इंडिया अभी भी थोड़ी सी बढ़िया भैया वाइड का यहाँ पे मिला है चौका फ्री में। तस्किन अहमद ने कहा है आके कि लीजिए हम आपको रन दान में देंगे।
यार, दान भी देंगे। बांग्लादेश का सॉलिड एफर्ट, लेकिन 50 रन इंडिया के पूरे होते हुए, और इस पार्टनरशिप के भी पहली पार्टनरशिप एशिया कप की 50 रन की पार्टनरशिप बनाई भाई इंडिया ने, बहुत बढ़िया। लेट्स गो, सूर्य कुमार यादव फेसिंग स्पिन, वंस अगेन एज निकला, मैंने बोला था ट्रोई ट्रबल कर रही है यहां पे, थोड़ा रस्की रन हो सकता है, लेकिन ले लिया। ओ भाई साहब, अगर डायरेक्टेड होती भाई, ये देखो अगर ये डायरेक्टेड होती तो रोहित शर्मा गया था भाई, ये देखो। ओहो, कीपर ने भी कलेक्ट करने में टाइम लगा दिया, बच गए भाई, रिस्की रिस्की। चलो भाई दूसरे एंड पे रोहित शर्मा, क्या इस ओवर को बचा सकते हैं, केवल 3 रन इस ओवर से अभी तक, और इस बार मारे रोहित शर्मा ने फुल टाइमिंग के साथ, कनेक्शन बहुत अच्छा है, छक्का मिलेगा भैया। 7 ओवर में 59, मैंने सोचा था भाई 7 ओवर में कम से कम 70-80 रन होंगे, बट यहाँ पे 7 ओवर में 59 रन हुए हैं, बहुत रन रेट को बढ़ाने की जरूरत, सिंगल के साथ शुरुआत। चलो चलो आगे बढ़ के मारा जा सकता है कि यहाँ पे चांस है, उठा दिया है हवा में गेंद, क्या यहाँ पे नहीं यार, रोहित शर्मा की विकेट नहीं भाई, दूसरे हैंड से हिटिंग नहीं हो रही थी, 39 पे यहाँ पे कप्तान रोहित शर्मा अपनी विकेट दे बैठे हैं, बिग शॉट के लिए गए लेकिन विकेट दे बैठे, और मुस्तफिजुर रहमान कैच कंप्लीट करेंगे रोहित शर्मा यहाँ पे वापसी करते हुए। अब एंट्री होगी मिस्टर विराट कोहली की, देखते हैं कोहली भाई कैसा खेलते हैं भाई इस टूर्नामेंट में, यहाँ पे थोड़े से मतलब रन पड़ने चाहिए और उस हिसाब से पड़ नहीं रही, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने हमें गैप ढूंढा है भाई, फाइनली कुछ तो बाउंड्री निकालने की कोशिश चल रही है सूर्य भाई की तरफ से यहाँ पे भाई। लेकिन भाई 80 रन हो चुके हैं अपने 10 ओवर में, बचे हैं 5 ओवर, अब 5 ओवर में स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कम ऑन विराट कोहली फेसिंग द फर्स्ट बॉल, रोबेल हुसैन आते हुए, ओहो हो बल्ला लगाया है यहाँ पे, शायद चौका चला जाए, नहीं रोक ली यार, कितनी अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं लोग आज, जा पूछ क्या। बट सूर्य कुमार यादव सेटल्ड है, अब सूर्य हैज टू गो माय वे और द हाईवे भाई, स्किडिंग डिलीवरी अनप्लेबल, 3 रन आए हैं अभी तक 2 बॉलों में भाई, ये ओवर थोड़ा मारना आप शुरू करना है भाई अपने को, और स्लैप्ड अवे एंड सूर्य कुमार यादव गिव्स अवे हिज विकेट, 35 रन बना के, काफी स्लो इनिंग्स, मारने की फुल कोशिश थी लेकिन बड़ा टोटल नहीं बन पा रहा भैया, पहला ही मैच है एशिया कप का, एंट्री होती है ऋषभ पंत की भैया, ये बंदा मार दे तो भाई क्या ही बात होगी, 12.1 ओवर्स हो चुके हैं, अपना रन रेट थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है, एंड पंत ने मारा है शॉट सामने को, फील्डर है मौजूद लेकिन शायद नहीं पकड़ पाएगा भाई, गुड शॉट भाई, 100 रन नहीं हुए अभी तक भाई, निकाल सकते हैं भाई, निकाल सकते हैं 170 निकाल सकते हैं, एक बार फिर से बैट पे बॉल, लेकिन इस बार थोड़ी सी टाइमिंग खराब, शायद 2 रन मिल जाए यहाँ पे, फील्डिंग अच्छी कर दी है उन्होंने और 2 रन चुराएंगे यहाँ पे। चलो भाई विराट भाई लास्ट बॉल है भाई, मार दो भाई सीधा, उठा के मारे इस बार विराट कोहली ने, ये 6 मिलेगा भाई, विराट कोहली फाइनली गेट्स अ 6 हियर भाई, लास्ट के 2 ओवर शुरू, पावर प्ले भी शुरू हो चुका है, अब चांस है भाई मारने का, अब फुल और रन पीटेंगे भाई, चौका था यार ये भाई, लास्ट के ओवर उन्होंने कितने अच्छे डाले भाई, केवल 4 रन आए अभी तक, लेकिन रुक जाओ या पुल्ड अवे, ऋषभ पंत गेट्स अ 4 हियर, दोस्तों क्या गैप निकाला है भाई, मारना मुश्किल है लेकिन मार रहे हैं कुछ भी करके भाई, भी पंत ने जो शॉट मारी तो मैं मार के दिखाता हूँ, ये देखो भाई हमारे भाई के स्किल्स भी किसी से कम नहीं है, देख रहे हो क्या, वैसे होप कर रहे हैं भाई इस संडे जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने वाला है उसमें भी ऋषभ पंत विराट कोहली सारे ऐसी तगड़ी तगड़ी शॉट्स खेले और जीत ले जाए भाई पाकिस्तान से, क्योंकि लास्ट टाइम तो हमारे साथ काफी बुरा हुआ था, लेकिन मेरा तो फुल सपोर्ट है भाई इस साल इंडियन टीम को और आई होप तुम लोग का भी है, क्योंकि परी मैच लेके आया तुम लोग के लिए बहुत बढ़िया ऑफर, तुम्हें बस अपनी फेवरेट टीम की रिजल्ट्स पे प्रेडिक्शन करनी है, यानी कि ये टीम जीतेगी या हारेगी, बस कुछ क्लिक्स करने और तुम्हारी गेम चालू हो जाएगी, इतना ही फास्ट और इजी है, यहाँ पे तुम्हें 100 से भी ज्यादा तरीके मिल जाएंगे पैसे डिपॉजिट करने के और विड्रॉ करने के, और साथ ही साथ मिनिमम डिपॉजिट भी काफी लो है, और न्यू यूजर्स के लिए 20,000 रुपीज का स्पेशल बोनस है, सो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट करो और 150% तक का डिपॉजिट बोनस पाओ, क्योंकि एशिया कप के टूर्नामेंट में तुम्हारे प्रॉफिट के चांसेस और बढ़ा देगा, और तुम्हें याद दिला दूं अपने फास्ट बॉलिंग लेजेंड डेल स्टेन भी परी मैच को यूज करते हैं मेरी तरह, तो भाई ज्वाइन करो परी मैच और सपोर्ट करो इंडियन टीम को, ताकि तुम लोग का भी प्रॉफिट हो और साथ ही साथ हम लोग भी एशिया कप जीत जाए। अभी वाली शॉट देखता, I play on Perry match. Do you? Come on, Rishabh. एक और gap चाहिए भाई. एक और gap. Come on. We can do this. इस बार सीधा पैरों पे ball. लेकिन क्या connection? 6 मिलेगा ऋषभ पंत को. Last 2 ball में 10 run निकाल के थोड़ा सा अपने run rate को सही कर दिया है भाई. 23 of 17 विराट कोहली. 29 runs पे ऋषभ पंत. पहली बॉल विराट कोहली कट्स इट अवे फॉर अ फाइन 4, बट नहीं मिलेगा भैया, नहीं मिलेगा. चलो ऋषभ पंत. बट अच्छा किया भाई पंत को स्ट्राइक दे दी. 5 बॉल है भाई पंत. Missed it. What? ये तो निकलना था यार, बैट लगता बस. Come on, 140 plus भाई ऋषभ पंत. We can do this.
उठा के मार दिया इस बार बैट पे, एक बार फिर से कनेक्शन 6 मिलेगा यहाँ पे ऋषभ पंत को। दोस्तों पंत का जवाब नहीं भाई, आते ही मार रहा है। 137 हो गए। चलो भाई मुस्तफिजुर रहमान 11 रन दिए इस ओवर से, आखिरी बॉल खेलेंगे विराट कोहली एंड ही प्लेज इट ऑन बैक फुट। यहाँ पे कोई फील्डर नहीं, चौका निकालेंगे आखिरी बॉल पे। फाइनली एक एक अच्छी शॉट निकाली भाई एंड में विराट कोहली ने। 140 प्लस इंडिया का टोटल जाते हुए यहाँ पे, ठीक ठाक टोटल बोलेंगे हम 15 ओवर के मैच पे और इस पिच पे। बट ठीक है भाई, बॉलिंग अपनी स्ट्रांग है, मेंटेन करके रखेंगे और बांग्लादेश को जल्द से जल्द ऑल आउट करने की कोशिश करेंगे भैया। ये देखिए दोस्तों स्कोर कार्ड काफी अच्छा खेला जिसने भी खेला। देखो जितने भी प्लेयर्स आए, चाहे स्ट्राइक रेट थोड़ा स्लो हो बट अच्छा खेल के गए चारों के चारों प्लेयर्स भाई। अब समय आ चुका है अपनी बॉलिंग का प्रदर्शन दिखाने का। मैं बता रहा हूँ दोस्तों डिफेंड कर लेंगे। बांग्लादेश के ओपनर्स आते हुए ओपनिंग के लिए, ओपनिंग के लिए आएंगे ओपनर्स और क्या करेंगे। और भूवी भैया से हम करवाएंगे दोस्तों पहला ओवर। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस ब्यूटीफुल मैच। लिटन दास एंड सौम्य सरकार रेडी टू फेस द फर्स्ट डिलीवरी। 142 रन टू विन बांग्लादेश को एशिया कप का पहला विक्ट्री लेने के लिए। बट इंडिया भी है भैया ऐसे कैसे, पहली बॉल पे सिंगल निकाल के एक रन बिना किसी नुकसान के। चलो भाई लिट्टन भाई आइए और ओहो स्विंग खेल के दिखाइए। भुवनेश्वर कुमार भैया एक ही पर स्टार बॉलर है एक्सपीरियंस, दूसरे बाकी जो बॉलर थे थोड़े अनएक्सपीरियंस्ड है। और देखो वैसे जो कॉम्बिनेशन मैंने खिलाया है तो मेरे पास भी स्पिनर्स 3 तो है भैया, तो मजा आएगा बॉलिंग करने में। चौका निकालेंगे यहाँ पे लिट्टन दास भाई, फ्री का चौका लेके गए भूवी की बढ़िया बॉलिंग पे। चलो भैया फर्स्ट बॉल ऑफ जडेजा भाई पहले ओवर में 12 रन मार दिए है लेकिन कोई बात नहीं। ओह माय गॉड दिस इज पुअर 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 बैटिंग बाय लिट्टन दास। आर्म बॉल डाली स्ट्रेट एज अ क्यूकंबर और भाई लेग स्टंप के ऊपर से हल्की सी बेल उखाड़ती हुई पहला झटका बांग्लादेश को। व्हाट अ ब्यूटीफुल विकेट हियर, व्हाट अ स्टार्ट फॉर जड्डू भाई, व्हाट अ स्टार्ट। दूसरी बॉल गॉन, ओह माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग, ओह माय गॉड गॉट बिहाइंड। रविंद्र जडेजा क्या बॉलिंग कर रहा है यहाँ पे भाई, ये ज्यादा हो गया भाई, इतनी अच्छी स्पिन हो रही है तो मैं पेसर से क्यों करा रहा हूँ। गोल्डन टक रविंद्र जडेजा आते ही एशिया कप में हो रहा हैट्रिक एंड नाउ बांग्लादेश के कप्तान मोहम्मदुल्लाह वॉक इन करते हुए भैया। रविंद्र जडेजा ऑन हैट्रिक डिलीवरी, हैट्रिक बॉल रविंद्र जडेजा अगेंस्ट मोहम्मदुल्लाह। ओह नो स्लिप एंड ओह माय गॉड स्लिप नहीं लगा यहाँ पे एंड रविंद्र जडेजा अपनी हैट्रिक से इतने से चूक गए भाई, इतने से चूक गए। बट तुम देख रहे हो क्या स्पिनिंग पिच है भाई, अच्छा किया हमने बैटिंग ले ली थी पहले। कम ऑन ऐश पंत भाई चिल्लाते हुए पीछे से, इस बार फिर से आगे बढ़े लेकिन इस बार फिर से मिस। क्या हो रहा है भाई, सौम्य सरकार फुल फॉर्म में भाई, वो आगे बढ़ के मारने से रुक नहीं रहा। और इस बार मारे वहां पे फील्डर मौजूद है दोस्तों, दिस कुड बी इट, सेकंड विकेट फॉलिंग ऑफ, दैट्स गॉन, सेकंड एंड थर्ड भाई 20 पे 3 बांग्लादेश, इंडिया ऑलरेडी इन अ गुड पोजीशन। कम ऑन कम ऑन कम ऑन जड्डू भाई, एक और एज दिस प्रेशर हैज वर्कड अप। व्हाट कैप्टेंसी बाय रोहित शर्मा एंड पाहुल वालिया, गाइस ओपी करो रोहित एंड पाहुल ओपी, अभी अभी कमेंट करो भाई। 3 स्लिप लगाए मैंने, 3 स्लिप जड्डू की बॉलिंग पे, पता था एज निकलेगा एंड डीके टेक्स अ कैच ब्यूटी। चौथा झटका बांग्लादेश को यहाँ पे इंडिया एशिया कप में अपनी पोजीशन बनाते हुए। 22 पे 4 दोस्तों, 22 पे 4 भाई, अभी तक एक रन नहीं आया इस ओवर से और एक विकेट गई है। इस बार उठा के मारा है, फील्डर मौजूद लेकिन शायद सर के ऊपर से जाएगी, 6 है भाई। चलो भाई ऐश कमिंग बैक, पावर प्ले अभी भी चल रहा है लेकिन बांग्लादेश थोड़ा पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे है। ओह इस बार करा भाई मोहम्मदुल्लाह बेटा, कप्तान यहाँ पे कह रहे हैं ऐसे कैसे छोड़ देंगे हम टीम को, मारेंगे निकल निकल के मारेंगे भाई। अश्विन के अगेंस्ट सब निकल के मार रहे हैं अगर तुम देखो तो भाई। नूरुल हसन के लिए वही फील्ड है जो जड्डू ने लगाई थी और एज निकल सकता है, निकला तो है लेकिन भाई पीछे चला गया यार। देखो प्रेशर बन रहा है, प्रेशर बन रहा है, चौका निकल जाएगा। ओ माय गॉड भाई फुल ऑन बांग्लादेश यहाँ पे कमबैक तो करने की कोशिश कर रहा है भाई। देखो बांग्लादेश इस समय ऐसी पोजीशन पे है जहां से कमबैक करना थोड़ा मुश्किल ही है। और एक और एज लेकिन फिर से भाई चौका, ये ऐसे एज के चौके निकाल रहा है नूरुल हसन आज। ये भैया ये बंदा यही करने आया है आज, ये सही सोच के आया है, ये ऐसे ही खेलना चाहिए कि ऐसे एज के चौके निकालो जहाँ पे स्लिप हो ही ना। चलो भाई थोड़ा सा चेंज करते हैं, पेसर को लगाते हैं क्योंकि अश्विन और जड्डू के दो दो ओवर हो चुके हैं, उनका एक ही ओवर बचा है, वो थोड़ा सा बचा के रखते हैं। बाई चांस कोई इनमें से टिक गया तो भाई लग जाएगी हमारी एंड में। कम ऑन हर्षदीप, एक विकेट तो भाई लड़के की भी बनती है, डेब्यू इन एशिया कप। लेकिन ये गैप निकला है यहाँ पे मोहम्मदुल्लाह, अभी भी क्रीज पे चौका बिटवीन टू फील्डर, क्या खेला यार। चलो भाई एक बार फिर से चहल वर्सेस नूरुल हसन भाई, पिछले ओवर में तो एज निकाल निकाल के बाउंड्री ले ली थी लेकिन इस बारी
इस बार नहीं चलेगा। डीके के हाथ में एक बार फिर से फिफ्थ विकेट फाइनली डाउन। नूरुल हसन भाई जो एज निकाल निकाल के ले रहे थे, चहल ने कहा ऐसे कैसे भाई। मेहदी हसन भाई ये भी बैटिंग कर सकता है लड़का, ये भी थोड़ी सी बैटिंग इससे भी उम्मीद है, लेकिन प्रेशर देखो फुल ऑन है। वही फील्ड है जो फुल प्रेशर बनाती है दो स्लिप्स के साथ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन चहल भाई। गैप वो 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 आते ही अटैकिंग खेलने की शुरुआत कर दी है। कम ऑन चहल भाई आ सकती है आगे निकल के मारा है इस बार फिर से फील्डर है, लेकिन वहां पे क्या क्या छू सकती है। नहीं, देखो दोस्तों एक सिंपल रूल ऑफ क्रिकेट है भैया, किसी बॉलर से पंगे लोगे, अच्छा बॉलर हुआ तो अगली बॉल में विकेट निकाल लेगा, और वही करा यहाँ पे युजवेंद्र चहल ने भाई, टैलेंटेड बंदा है दोस्तों। कम ऑन भाई, अपना गोल ये है 80 से पहले पहले ऑल आउट भाई, 80 से पहले पहले ऑल आउट भाई। 12 रन रह गए और अपने को निकालनी है केवल 4 विकेट निकालने भाई अपने को, 12 रन रह गए। कम ऑन भाई, चहल का स्पेल फाइनली एंड होता है भाई। 3 ओवर डाले हैं, 2 विकेट ली है और 21 रन दिए हैं, काफी अच्छी बॉलिंग। बट अब भाई टाइम है अश्विन और जड्डू से कराने का। कम ऑन आश भाई केवल वो साइड इज द कैच, इज इट आउट, क्या हुआ ये, अभी क्यों हो गया गेम को भाई, क्या अब देखते क्या हुआ एग्जैक्टली। ये मारी शॉट नुसुम भाई ने और ऋषभ ने क्या कैच भाई साहब, बट अनदर विकेट डाउन। कम ऑन एश, लास्ट बॉल ऑफ स्पेल, आगे बढ़ के मारा है लेकिन चौका बटोर लेंगे यहाँ पे भाई साहब। कप्तान फाइट फुल ऑन देते हुए, अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है उनके लिए भाई। भाई इससे मैंने ध्यान ही दिया, 6 रन रह गए सिर्फ, 6 रन में 3 विकेट। कम ऑन भाई, प्रेशर रस्सी मारी लेकिन हार्दिक के पास क्या जा सकती है यहाँ पे। कम ऑन What a diving catch, Hardik Pandya struck in, 2 wickets more to go. Ravindra Jadeja on a 4 wicket haul here. भाई Hardik Pandya लपक के भाई, Spider-Man type catch भाई, Rishabh Pant will be proud today. चलो भाई 2 विकेटें रह गई है, 6 रन टू गो। कम ऑन जड्डू, 5 विकेट हॉल इनकमिंग, ओह माय गॉड क्या बॉल। कम ऑन जड्डू भाई, दो बॉल, जड्डू ऑन टॉप, मारने की कोशिश करी 2 बॉल, सिर्फ नच कर रहा था बंदा, लेकिन जैसे ही मारने की कोशिश करी एज निकाला और जड्डू भैया की जो 5वीं विकेट थी टीके एक और कैच लेके पूरी करते हुए भाई। बांग्लादेश और 96, मैंने बोला था 80 से पहले ऑल आउट करूंगा और यहाँ 96 हो चुकी है, 100 भी बन जाएंगे अब बांग्लादेश। यही वाइड बॉल, कम ऑन हार्दिक ही है जो एक विकेट निकाल सकता है भाई यहाँ पे। खड़ा, मैंने बोला था भाई हार्दिक ही है जो विकेट निकाल सकता है, और क्या उम्दा गेंद, आई हाई, दिस इज कॉल्ड विक्ट्री, फर्स्ट विक्ट्री, एशिया कप, 5 विकेट हॉल, चड्डू का 44 रन से विक्ट्री ली है एंड वी हैव स्टार्टेड द टूर्नामेंट विद अ बैंग दोस्तों। भाई व्हाट अ मैच भाई, क्या शुरुआत मिली है, स्कोर ठीक ठाक था मेरे हिसाब से, बट जब 10 विकेट लेती है ना टीम तो भाई दिल से खुशी होती है, ठीक है। 5 विकेट लिए भाई पहले मैच में, अश्विन ने 2, चहल ने 2, पांड्या ने 1, इसे कहते हैं कंप्लीट बॉलिंग डोमिनेशन। साथ ही साथ श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया 7 विकेट से, ये रहा उनका स्कोर कार्ड भाई। देख रहे हो बाबर आजम 48 रन, मोहम्मद रिजवान 48 रन, मतलब ये दोनों ही तगड़े हैं। और अगर हम टूर्नामेंट्स की मैक्सिमम रन की बात करें तो रोहित शर्मा 5वें नंबर पे है विद 39 रन, लेकिन अनुष्का फर्नांडो ने 91 पकड़ रखा है भाई, अपने पहले मैच में मार दिया। लेकिन बॉलिंग में भाई 5 विकेटों के साथ जड्डू बैठे हुए हैं भाई, जड्डू वो बना सकते हैं भाई पर्पल कैप होल्डर। तो अब आते हैं राउंड टू में इंडिया का कोई भी मैच नहीं है दोस्तों, इट्स अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, एंड इंडिया को मिलता है बाय, एक बार फिर से टूर्नामेंट से बाय नहीं, इस राउंड से बाय। तो एक बार सिमुलेट करके देख लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, सिमुलेटिंग द मैच, एंड श्रीलंका 1/9 विकेट, अफगानिस्तान को अपने पहले मैच में हार मिलती है, एक बार स्कोर कार्ड देख लेते हैं, बहुत बढ़िया भाई। एंड पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, लेट्स सी व्हाट हैपेंस बिटवीन देम, बांग्लादेश 1/5 विकेट, पाकिस्तान की पहली हार, बांग्लादेश से हार चुकी है पाकिस्तान यहाँ पे, व्हाट इज हैपनिंग। तो देखते हैं कि हमारा राउंड 3 है, मैच किसके साथ है। ओके दोस्तों, इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भाई, दूसरा ही मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट रख दिया है। प्रेशर भाई, ये अगर हम जीत गए उसके बाद है श्रीलंका और अफगानिस्तान, फिर तो थोड़ा आसान ही है भाई, बट ये जीतना बहुत जरूरी भाई, सेकंड मैच ही बहुत डिफिकल्ट मैच है।